अभी और एक तू चीज पकाओ। क्या बता? सांप। सब एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है मंडे और अभी टाइम 10:30 बज रहे हैं। जस्ट मैंने अपना झाड़ू पोछा खत्म किया और कर रही हूँ। और बाबू चला गया स्कूल और मैं अभी अकेली हूँ घर में। और अभी मैं मारने वाली हूँ मच्छरों को, क्योंकि जब मैं ब्रश करने के लिए गई थी ना तो इतना ज़्यादा उड़ रहे थे वहाँ पर जहाँ पर हम लोग ब्रश करते हैं। तो सोची कि पहले मैं उन लोगों को स्वर्गवास कर दूँ, फिर आगे जो भी करना है करूँगी, क्योंकि बाद में मैं भूल जाऊँगी। और ये लोग शाम को अंदर घुस जाते हैं और हम लोगों को काटते हैं। मुझे तो नहीं काटते हैं, बाबू को काटते हैं बेचारे। तो ये मैं लेके आ गई बैट, सबका हालत में पता क्या करूँगी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना ज़्यादा है। ओह देख, दिख रहा है कि नहीं? ओह माय गॉड, ये तो लग गिर गया। इसको भी नहीं उठा देते आप लोग, बस आवाज सुनिए। ओह माय गॉड, ये लोग इतना इंटेलिजेंट है, इतना सियाने हैं, ऊपर चले जाते हैं वो लोग गिरने जैसे। हम लोग को पता है कि ऊपर नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए लोग जानबूझ के ऊपर चले जाते हैं। सारे कपड़े गिर गए, आज इतना ज्यादा नहीं थे। यहाँ पर एक है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझसे पंगा मत लियो। ऊपर उधर उधर हर जगह ऊपर चढ़ गए था उन लोगों को अच्छे से पता है कि इनका हाइट बिल्कुल है ही नहीं, तो ये नहीं कर पाएगी इतना ऊपर। ओ यहाँ पर छुप गए। देखो देखो, ये आराम से बैठा है, गया। दोस्तों मुझे लगता है कि खत्म हो गए, तो मैं अभी सारे कपड़ों को ऊपर उठा देती हूँ। ये मेरे पूछा कपड़े हैं जो कि बहुत जरूरी है, तो अच्छे से रख देते हैं इसे वापिस यहीं पे। और मैंने ना अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है, तो अभी मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करूँगी, इसके बाद खाऊँगी जो भी, खाने के बाद बाकी नहाना। तो बस चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एवरीवन, तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को लेने और टाइम हो गया है, बस निकल रही हूँ और बस ये चलो लेके आती हूँ। इसके बाद तो बाबू वापस आ गए हैं आइसक्रीम को लेके। हम तो जल्दी निकल जाते हैं स्कूल से, तो लेकिन वो जो दुकान है ना उसी में हमको आधा घंटा लग जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि बोलो ही मत। उसी टाइम सारे बच्चे खरीदते हैं तो हमें टाइम लग गई, 2 तो बज गया होगा।
नहीं 52 मामा अभी अभी खाना बन गया कि नहीं? हाँ बन चुका है बस। अच्छा नहीं बना बना है। झूठ नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी मैं, देखो आराम से बैठ गई हूँ। अगर नहीं बनाए होते ना तो अभी दौड़ के जाके मैं पकाना स्टार्ट करती। पर अभी और एक थू चीज पकाओ। क्या बता? सांप है। सांप खाओगे? छी गंदे लड़के, मजाक कर रहे है ना। हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये भी खाओगे क्या अभी? वैसे मैं कुछ देर बाद खाऊंगा। अच्छा चलो चेंज कर लो फिर, मैं पहले चेंज के हो जाती हूँ। ठीक है एवरीवन, तो काफ़ी रात हो चुकी है और काफ़ी देर बाद आप लोग से बात कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10 और हम लोग डिनर भी कर चुके हैं। तो अभी मैं करने वाली हूँ ये कपड़े, बहुत सारा है, काल का है, आज का है, तो सारा फोल्ड करके रखूँगी, इसके बाद सोएंगे। बस जल्दी से सोना है ताकि हमारा नींद अच्छे से पूरी हो जाए, नहीं तो मेरा नींद अगर पूरी नहीं हुई ना तो फिर मेरे बीपी लो हो जाती है। तो बस तभी हम बाबू के आने के बाद खाना खाए। इसके बाद काफ़ी लेट हो गई खाते खाते, बाबू जल्दी नहीं खाता है, इसी चक्कर में ज़्यादा टाइम लग जाता है। 3:30 बज गए, फिर बर्तन सब करते ऐसे ऐसे करके 4 बज गए थे। तो फिर इसके बाद तो इतनी जल्दी टाइम पार हो गई कि समझ में नहीं आई, 5 बज गई, 6 बज गई। तो इसके बाद हम जल्दी जल्दी, बाबू सोया नहीं था तो इसलिए जल्दी होमवर्क करने के लिए बैठ गए। तो उसको करते करते अभी 9:30 बजे कंप्लीट किए। स्पीड नहीं लिखते, बच्चा है उसका कोई ये नहीं, मैं छोड़ के आ रही हूँ तो चुपचाप बैठ जाता है। तो ऐसे करते करते अभी 9:30 बजे उसका कंप्लीट हुआ है। और इसके बाद मैं खाना भी खिला दी उसको और अभी वो अपना कार्टून देख रहा है। इतना देर तो पढ़ाई किया तो बोर हो गया काफ़ी, तो इसीलिए वो कार्टून देख रहा है। जब तक वो देखता है तब तक मैं ये फोल्ड कर लेती हूँ और इसके बाद मैं मच्छरदानी लगाऊंगी, फिर उसको बुलाऊंगी, फिर हम सोएंगे। तो आज का ब्लॉग तो पता नहीं कैसे बना है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन क्या करें। कुछ नहीं कर सकते, अभी बाहर जाना भी हम अवॉइड करेंगे थोड़े दिन, ठंड ज़्यादा हो गई है और इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले जब जा रहे थे तभी ज़रूरत थी इसलिए जा रहे थे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, तो हम नहीं जाएंगे और इसीलिए बाहर का ब्लॉग नहीं बनेगा, इसीलिए ज़्यादातर घर का ही बनेगा, क्योंकि बाहर जब जाएंगे तो बनाएंगे। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, ज़्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं है, आगे सोना ही है। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, और थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। बस बाय बाय, गुड नाइट।